बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अपने चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो रमज़ान करीम शुरू हो चुका है, इसके आप सब बहन भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम मुसलमानों के घरों पे अल्लाह ताला अपना फजल करम अता करे और हम सबको इबादत करने की और रोज़े रखने की तौफीक दे, और तमाम मुसलमान जहाँ जहाँ आबाद हैं सब पर अपना ख़ास फजल करम अता करें। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ट्राउज़र डिज़ाइन। ट्राउज़र की कटिंग हमने कर लिया और 5 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा रखा है डिज़ाइन बनाने के लिए। शिप्स बुकरम का हमने कैनवस रख लिया है। दोनों पैच बनाने के लिए हमने तकरीबन 4 इंच की लेंथ रखी है और 17 इंच की चौड़ाई रखी है। चिप्स बुकरम को अलग कटिंग कर लेंगे। इसको डबल फोल्ड करेंगे दोनों पैच बनाने के लिए। अभी हम इसको अलहदा नहीं करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसके एक और फोल्डिंग करेंगे सेंटर से। या इसके ऊपर एक लाइन भी लगा सकते हैं, स्केल से इंच लेस के हिसाब से एक लाइन लगा लें, इससे आसानी रहेगी। क्रीम या वैसलीन का किसी भी चीज़ का कैप लेके छोटा या बड़ा सर्कल आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने छोटा रखना है या बड़ा। ये हमने वैसलीन का कैप लिया है, इसके साथ जहाँ से हमने लाइन लगाई है हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेम इसी तरीके से हम तमाम लाइनें लगा लेंगे। ये जहाँ से हमने डबल फोल्डिंग रखी हुई है उस साइड से हम इसको लगा रहे हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तैयार होता है और आजकल इसका बहुत ज़्यादा फैशन है। हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसको लाइन तक कंप्लीट कटिंग करेंगे। इस तरह डबल फोल्डिंग की वजह से हमारे दोनों पैचे इकट्ठे एक साथ कटिंग हो जाएंगे और डिज़ाइन आगे पीछे भी नहीं होगा, सर्कल भी इक्वल आएंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। कटिंग कंप्लीट करके हम इसे ट्राउजर की पैची के ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर लिया, जो 5 इंच का एक्स्ट्रा रखा था वहां पे हमने एक कट का निशान लगाया हुआ है और दूसरी साइड से हम इसको पकड़ के वहीं से सिलाई लगाएंगे। एक पाँव का फासला रखते हुए सिलाई लगाएंगे। बिगनर अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हैं। ये प्लेट्स अपनी मर्जी से 3 या 4, 5, 7 जितने भी आप डालना चाहें अपने कपड़े के मुताबिक डाल सकते हैं।
तरह से इस सिलाई को हम दूसरे साइड पे करके आगे से एक सिलाई लेंगे, लेफ्ट को सीधी सिलाई लगा के बनाएंगे। ये हमने तीन बना ली है। अब एक एक्स्ट्रा पट्टी लेके बैक साइड पे रख के पाइचे के और हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई को कंप्लीट करके एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके हम इसके डिज़ाइन वाले हिस्से पे कट का निशान लगाएंगे, इससे हमें पलटने में आसानी रहेगी। और इससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और करें एक प्यारा सा कमेंट। इस तरह हम इसको सीधा कर लेंगे और हम बिल्कुल कट के ऊपर से सीध में एक सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे और दूसरी सिलाई का रुख हम नीचे की तरफ लगाएंगे। डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। और ये हमने कढ़ाई से मैचिंग एक पीस लिया है, तकरीबन 2 इंच विड्थ और 2 इंच इसकी लेंथ है। इसको हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम इसकी फोल्डिंग करके डिजाइन बना लेंगे। एक बार मजीद बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ट्रायंगल फोल्ड किया हमने और उसके बाद इसको दो दफा मजीद फोल्ड कर दिया। अब इसके ऊपर सिलाई लगा के जितने हमारे कट हैं उसके हिसाब से हम इनकी डिजाइन को बना लेंगे। इस तरीके से हम कट के अंदर रख के सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, पहना हुआ भी बहुत स्टाइलिश होता है। यहाँ पे हमारा डिजाइन तैयार हो चुका है। अब हम इसकी सेंटर की सिलाई लगाएंगे। आप इसको मोती वगैरह से या जो चीज आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ मजीद खूबसूरत कर सकते हैं। हमने सिलाई लगा ली है, एक साइड का हमने प्लेट का रुख ऊपर की तरफ रखा और एक का नीचे की तरफ रखा है। इसके ऊपर ये रख के सिलाई लगाई है। इसी तरह एक्स्ट्रा मोती या कोशिश भी रख के जो आपको पसंद हो उसके मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। डिजाइन तैयार हो चुका है। आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और करें प्यारा सा कमेंट।
देखते रहिए यमुना कटिंग स्टिचिंग, रखिए अपना और अपनों का ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।